और आज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप मेरे चैनल पे देखे होंगे कि लगभग एक हफ्ता से कोई नया वीडियो आपको नहीं मिला होगा, ना ही संडे कमेंट बॉक्स का वीडियो आया होगा। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बताया तो 16 अगस्त 2020 को इतनी बरसात हुई थी हमारे एरिया में क्योंकि हमारे घर में पानी घुस गया था। पानी घुसने के कारण से मेरा जो वर्कशॉप था उसमें भी पानी पूरा भर गया था। अब दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर नया लोकेशन के जगह पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पर सेटअप बना लिया हूँ और सेटअप बनाने के बाद दोस्तों धीरे धीरे मैं आपको वीडियो यहाँ पर शूट आउट करके आपको मैं क्या करूँगा अपलोड करूँगा यूट्यूब में, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके दोस्तों आप यहां पे देख सकते हो कि टेम्परेली अभी मैंने यहां पे सेटअप बनाया हूं। जहां पे मैं अभी रेंट में लिया हूं वहां पे अभी रूम मालिक का कहना है कि दीवार में क्या होगा खिल्ला नहीं ठोकना है, तो अभी टेम्परेली ऐसे ही रहेगा, बाद में अच्छे से और सेटअप बना लूंगा। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बताया तो जो एक हफ्ता पहले जो पैसा पे कर दिए थे मेरे अकाउंट में, जिनका जिनका ऑर्डर था उनका सामान अभी तक नहीं गया है। अब क्या हो गया दोस्तों, मैंने यहां पे सेटअप बनाने के बाद उनका सामान पैकिंग कर लिया हूं और उनका सामान सेंड हो जाएगा। जितने हमारे भाई लोग हैं जो हमको सामान के लिए यानी इंडक्शन के कंपोनेंट के लिए पैसा पे कर दिए हैं और व्हाट्सएप में ऑर्डर दिए हैं, तो उसी व्हाट्सएप नंबर से हमारे व्हाट्सएप में क्या करना है फिर से उनका डिटेल्स देना है, क्योंकि क्या होगा कि उनका व्हाट्सएप नंबर हमारे पास सेव रहता है इसके नाम से। ओके अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि अगर मान लो सामान कुछ ऑर्डर करते हो तो हमारे पास क्या क्या सामान अवेलेबल है आपको मैं यहां पर बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर, क्योंकि इंडक्शन में जितने प्रकार के रेजिस्टेंस लगते हैं लगभग क्वार्टर वाट से लेकर 1 वाट तक रेजिस्टेंस यहां पर हमारे पास अवेलेबल है। यहां पर 18 वोल्ट का जीनर भी अवेलेबल है, 41-47 का डायोड भी अवेलेबल है। दोस्तों जो हमारे पास 18 वोल्ट का जीनर है वो 1 वाट में आपको अवेलेबल मिलेगा, जो हाफ वाट का नहीं है 1 वाट में। ओके उसके बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि हमारा यहां पे ट्रांजिस्टर हुआ है, जो आपको नॉर्मली 80-50 और 85-50 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर भी है। और आपको यहां पे दिखा सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि इंडक्शन में इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है। सबसे पहले तो यहां पे देख सकते हैं कि कॉइल सेंसर यानी टॉप सेंसर भी है हमारे पास, इंडक्शन का मॉड्यूल भी है, उसके बाद दोस्तों फ्यूज है, माइक्रो स्विच है। और यहां पे दोस्तों एक और चीज बता रहा हूं, जो टीवी में ट्रांजिस्टर लगते हैं 1803 और 1802 वो भी अवेलेबल है। और ये हमारा ब्रिज है, उसके बाद दोस्तों आईजीबीटी हम यहां देख सकते हैं 20R 30R 25N 15N इतने सारे IGBT हमारे पास अवेलेबल है। ओके दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्विच है जो माइक्रो स्विच लगता है, वाइपर वाला IC है। और हमारे पावर सप्लाई में 4.7 का 4.5 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये 2 पॉइंट का स्विच है और ये स्मॉल वाला ब्रिज है। ओके उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं प्रीसेट, जो हमारे इंडक्शन में अधिकतम प्रीसेट लगता है 501 का 203 का 103 का 203 का, ये पूरी प्रीसेट अवेलेबल है। ओके उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि SMD में, यहाँ पे SMD में ट्रांजिस्टर है जो 80-50 है और ये 85-50 है, दोनों SMD में ट्रांजिस्टर है। उसके बाद दोस्तों ये एम्पियर मीटर है, एम्पियर मीटर आपको बताया तो जो मैं BMB कंपनी के एम्पियर मीटर रखता हूँ, अभी मैंने फिलहाल इसको मैंने एम्पियर मीटर को मंगाया है, क्योंकि पहले जितने सारे मेरे पास एम्पियर मीटर था वो पानी में क्या हो गया था खराब हो गया, तो मैंने नया एम्पियर मीटर भी मंगाया है। ओके अब दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों कि हमारे पास फिलिप्स कंपनी का बोर्ड आपको मिल जाएगा, जो ये बोर्ड आप देख रहे हो 3 मॉडल में लगता है, 4929 4928 और 4938, ये 3 मॉडल में लगता है। ये दोस्तों 1600 वाट का PCB में, जो आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से PCB लगते हैं, इसका वीडियो आपको बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हाईटेज का ओरिजिनल यहाँ पे आपको पेस्ट मिल जाएगा जो 100 ग्राम का है। ओके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 जो डिस्प्ले है, ये हमारा 4928, ये हमारा 4938, ये हमारा 4929, इसका डिस्प्ले पड़ा हुआ है। ओके अब दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत किसी का ऑर्डर है, लेकिन इसमें देख सकते हैं कि मेरे पास जितने सारे एड्रेस थे सबका ऑर्डर यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ पैक हो गया सामान। और उन लोग से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फिर से अपना व्हाट्सअप में अपना डिटेल्स डाल दें, क्योंकि मेरे को कन्फर्म हो जाएगा। ये लगभग समझ लीजिए एक हफ्ता से वो ऑर्डर नहीं जा रहा, तो उनका ऑर्डर पेंडिंग में था। और अभी सेटअप धीरे धीरे बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इसी रूम में क्या होता है दोस्तों, क्योंकि मैं यहीं पे अभी रात में सो रहा हूँ, क्योंकि अभी नीचे में पानी भरने की वजह से अभी नीचे में वर्कशॉप नहीं किया। जब तक जैसे ही पानी कम हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा अपनी पूरी सेटअप को फिर से नीचे में करूँगा, या कहीं पर दूसरे जगह रेंट में लेके अच्छे से काम फिर शुरू करूँगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं यहीं से आपको वीडियो बना के दूंगा। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ दोस्तों कि मेरे पास बहुत ऐसे वीडियो हैं जो शूट आउट हुआ है, और उसको मैं क्या करूंगा जो पहले का वीडियो है उसको मैं एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा।
तो दोस्तों आपको मैं बता दिया इतने सारे। अब दोस्तों आपको ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरा नॉर्मली सेटअप तैयार हो गया। मैं जल्द से जल्द वीडियो शूट आउट करूँगा और अपलोड करते रहूँगा और आपको नई नई जानकारी भी इंडक्शन के देते रहूँगा। और दोस्तों आपका साथ चाहिए, जो हमारा जितने सारे हमारे भाई लोग जो वीडियो देखे थे कि हमारे घर में पानी घुस गया था, हमारा बहुत सारा नुकसान हो गया था, उन्होंने बहुत कोई हमको हेल्प भी किया। हमारे जितने भी भाई लोग ऑनलाइन कोर्स करते हैं उन्होंने बहुत सारे हमारा हेल्प किया। कुछ आर्थिक स्थिति भी हमारी कमज़ोर हो गई थी तो उन्होंने कुछ लोग पैसे भी पे कर दिए, तो उनके लिए दिल से सॉरी। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही थी, इसलिए आपको बताया था कि दोस्तों कि मेरी सेटअप पूरी तैयार हो गई है और हमारा जो जितने सारे स्पेयर पार्ट्स आप लोग मंगाना चाहते हो, हमारा स्पेयर पार्ट्स भी आप मंगा सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले मैंने एक यूट्यूब में वीडियो बनाया था कि जितने सारे इंडक्शन के स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाया था, और ये भी मैंने बोला था कि मेरे पास जितने सारे आप स्पेयर पार्ट्स उसमें देखे हो वीडियो में वो मेरे पास अवेलेबल है। अगर मान लो आप वीडियो नहीं देख पाए हो तो फिर से मैं वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दे देता हूँ और नीचे में भी दे देता हूँ, आप जाके वीडियो को देख लेना। दोस्तों क्या हुआ था बीच में, हमारे पास बहुत ऐसे दोस्त लोग, हमारे कस्टमर लोग बहुत कोई व्हाट्सअप कर रहे थे कि सर प्राइस लिस्ट भेजो, तो मेरे क्या हो गया था, आपको पता होगा कि 16 अगस्त को जो पानी घुस गया था उसके नाम से मैंने थोड़ा सा ध्यान व्हाट्सअप में नहीं दिया था। लेकिन दोस्तों फिर से मैंने क्या करूँगा, अगर मान लो आपको नहीं मिला होगा PDF फाइल तो आप फिर से व्हाट्सअप कीजिए, कि व्हाट्सअप करने के बाद मैंने फिर से आपको प्राइस लिस्ट सेंड कर दूंगा। ओके दोस्तों, और आपको मैं जानकारी के लिए पता हूँ दोस्तों कि बहुत कोई क्या करता है, प्राइस लिस्ट तो देखता है, प्राइस लिस्ट देखने के बाद बोलता है सर बहुत इसमें कॉस्टली है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑर्डर करो, ऑर्डर करने के बाद जो भी कंपोनेंट आपको ऑर्डर कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे एक कॉपी पेन निकाल लो, उसमें अपना जितना भी सामान लगेगा, जितनी भी उसकी क्वांटिटी है उसको लिख लो, मैं उसका आपको प्राइस लिस्ट बता दूंगा कि ये सामान का इतना प्राइस अभी चल रहा है। क्या दोस्तों मैंने PDF फाइल बनाया उस समय हो सकता है रेट ज़्यादा होगा, हो सकता है कम हो गया होगा, तो उसके हिसाब से नहीं, समय के अनुसार से उसका रेट में कम ज़्यादा होते रहता है। तो अगर आप ऑर्डर करो उसके बाद मैं आपको लिस्ट बना के दूंगा कितना प्राइस इसका जोड़ा हूँ, उसके बाद आपको अगर सस्ती लगती है और अच्छी लगती है तो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हो। और एक आपको मैं जानकारी पता हूँ, बहुत किसी को डाउट रहता है कि सर क्या बोलते हैं, सर मेरे पास सामान नहीं आएगा क्या, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, तो ऐसा सिस्टम नहीं है, आप मेरे ऊपर विश्वास करो, आपका सामान जो होता है आपके घर तक जरूर जाएगा 30 दिन के अंदर में। तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों आपको ज़्यादा दिन तक वेट नहीं करेगा, लगभग मान लो 2 से 4 दिन बाद से रेगुलर अब वीडियो आपको मिलने लगेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं राजेश।